पता चल जाएगा। ये नुस्खा याद रखो, माशाल्लाह तबारकअल्लाह, अल्ट्रासाउंड करवाने की जरूरत नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कहते हैं अगर उस रात नजर ना आए तो जुमेरात को रोजा रखकर जुमे की रात में उसी तरह करे, इंशाअल्लाह जरूर कोई ना कोई ख्वाब में उसको खबर कर देगा। हाँ, इन्हीं के पुजारी लोग खबर करेंगे, और कौन करे खबर करेंगे भाई। अऊज़ु बिल्लाह। अभी एक तो और खतरनाक, ये देखें जनाब अली, कहते हैं ये तो मेरी माओ बहनों से माजरत के साथ है, माजरत के साथ कहते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल अफ़ै माता औ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। कुरान करीम है ना, कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तर्जमा, तेरे रसूल पाक हैं, खुदा तो नहीं, आपसे पहले और भी बहुत रसूल गुजर चुके हैं, सो अगर आपका इंतकाल हो जाए या आप शहीद हो जाएं तो क्या तुम लोग जहाद या इस्लाम से ऐसे फिर जाओगे। कहते हैं इस आयत करीमा की खासियत क्या है, सुनो ये नुक्ता है, सुनो। कहते हैं अगर किसी औरत का खून जारी हो जाए तो इस आयत करीमा को तीन पर्चों पर लिखे, तीन पर्चों पर अमल नहीं करना, वल्लाह बतला रहा हूं, अमल नहीं करना, अमल नहीं करना, सुनो। तीन पर्चों पर लिखे, एक पर्चा उसके अगले दामन में बांध दे, अगले दामन में, और दूसरा पर्चा उसके पिछले दामन में बांध दे, और तीसरा पर्चा जेरे नाफ बांध दे। औजुबिल्ला, जेर माने नीचे, नाफ नाफ समझते हैं, जो न समझे वो मैं समझूंगा, वो कुछ नहीं समझता है। हकीम साहब कुरान करीम की आयत करीमा को कहां बधवा रहे हैं, बोलो, नाफ के, उसे कसरत खून है, इसके खून आ रहे हैं, ये क्या है, ये इस्लाम है, बोलो मुसलमानों, ये कुरान की तौहीन नहीं है। जुबान खोलो, जुबान, डरो मत, डरोगे तो ऐसे ही कुचले, ऐसे जलील, ऐसे पिसते रहोगे, और हक बोलोगे तो इंशाअल्लाह हक वालों के साथ होगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह कूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ उठो बैठो। मक्कार अय्यारों के साथ उठना बैठना तुम्हारे लिए हराम है, जायज नहीं, एक नहीं सैकड़ों। और कुरान की बात आई है, यह भी हकीम उल उम्मत अशरफ अली साहब थानवी की किताब है, इस्लाही निसाब, सुनो। कहते हैं ना तावीज गंडे पलीते, ये देखो जनाबे अली, नालेने मुबारक, ये नालेने मुबारक की तस्वीर है। हजरत फरमाते हैं ये नालेने मुबारक क्या करें, इस नालेने मुबारक को कहते हैं, हकीम उल उम्मत ने तलखीन की है, कहा है भैया वो, इस नालेने मुबारक को कहते हैं बेहतर यह है कि आखिर शब में, रात के आखिरी हिस्से में उठकर वजू करके तहज्जुद में जिस कदर हो नमाज पढ़ ले। नमाज रोजा है, कोई बात नहीं, आगे पीछे सब लगा रहता है, बीच में घोटाला होता है, माल माल घोटाले का कहां आता है मालूम है, हमारे यहां की कंपनियां हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, बाहर ममालिक से जो फूड या जो खाने सप्लाई करती हैं, इल्ला मर रहमल्ला, पहले बेहतरीन माल सप्लाई कर देते हैं, जब जान जाते हैं कि बंदा बन चुका है अपना, तो घोटाले का माल शुरू हो जाता है, घोटाले का माल डुप्लीकेट का, सुनो वही माल है। कहते हैं कि तहज्जुद जिस कदर हो पढ़ दे, उसके बाद 11 बार दरूद शरीफ पढ़े, 11 11वीं वाला 11, 11 बार दरूद शरीफ पढ़े, 11 बार कलमे तैयबा पढ़े, 11 बार इस्तगफार पढ़े। चलो गिनती का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम ये अच्छी चीजें हैं, कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, कोई बात नहीं। अब आगे क्या बतला रहे हैं हकीम उल उम्मत, कह रहे हैं कि इस नक्शे को, कौन से नक्शे को, ये नक्शा, ये नक्शा, करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, अगर गैर बुत बनाकर अपने बुजुर्गों, अपने देवी संतों का मूर्ति बनाकर पूजे तो वो काफिर है, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, इबादत करें शौक से जिसकी चाहें। ये देखो ये नालायने मुस्तफ़ा है, और यही नहीं बल्कि और मैं आपको बताऊं, ये नालायने मुस्तफ़ा हमारे हरे हरे पगड़ी वाले बेचारे कराची शरीफ के जनाब इलियास कादरी, वो भी बनाए हुए ना तोते शाह, ये भी नाले ने मुस्तफ़ा है, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फख्र से कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं, मदीना 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 मदीना, चारों तरफ मदीना, ये मदीने के दुश्मन,
ये देखो नालायने पाक हर किताब के ऊपर इसका नक्शा आपको मिलेगा। एक छोटी सी और किताब थी वो किधर गई, उस पे भी ये नालायने पाक का हर जगह जूते का निशान इन्होंने बनाया हुआ है। अल्लाह की कसम, जिस तरह कुफार और मुशरिकीन घोड़ों की नालें और अपनी अपनी देवियों की तस्वीरें और मूर्तियां और ओम शान लिख लिख करके अपने अपने दरवाजों पर लगाते हैं, ऐसे ही मुसलमानों को यह नुस्खे कीमिया दिया गया है कि तुम भी अपने नबी के जूतों का क्या रखो, निशान। नऊज़ु बिल्लाह, यह हमारे नबी के जूते का निशान नहीं, औज़ु बिल्लाह, इस तरह नहीं हो सकता है। सुने, कहते हैं कि इस नक्शे पाक को अपने सर पर, नक्शे को अदब अदब से अपने सर पर रखे, यह कहां छपा हुआ है बोलो, कहां छपा हुआ है यह नक्शा? प्रिंटिंग प्रेस में छपा हुआ है ना, इसकी क्या अहमियत, कोई वैल्यू है इसकी? यह फोटो बेचना पूजना जायज है? कोई मूर्ति बना के पूजे या नक्शा बना के पूजे, सब शिर्क बिल्ला है कि नहीं? कोई जरूरत नहीं है कि तस्वीर हो, शक्ल हो। सुनो, कहते हैं इसको अपने सर के ऊपर रखे, अच्छा, और बतजर्रो तमाम जनाबे बारी ताला में अर्ज करे, इलाही मैं जिस मुकद्दस पैगंबर के नक्शे नाले शरीफ को, जूते शरीफ के नक्शे को अपने सर पर लिए हूँ, उसका अदना दर्जा गुलाम हूँ, इलाही इस निस्बते गुलामी पर नजर फरमा कर बाबरकत इस फेल शरीफ के, नऊज़ु बिल्लाह, मेरी फला हाजत पूरी फरमाइए, मगर खिलाफे शरा कोई हाजत तलब ना करे, फिर सर पर से उसको उतार कर अपने चेहरे पर मले, हाँ, अपने चेहरे पर इस कागज के नक्शे को क्या करे बोलो, मले, और उसको मोहब्बत से बोसा दे, औज़ु बिल्लाह, हाँ, वो जाके मज़ारों को बोसा देते हैं तो हजरत अशरफ अली साहब थानवी उसको कुफ्र करार देते हैं। डी ग्रुप के लोग बी ग्रुप वालों को क्या कहते हैं? शिर्क 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 शिर्क, ये क्या है, ये शिर्क नहीं है? जब ही तो नाक में नकीले पढ़ाए हुए हैं बी ग्रुप वालों ने डी को, हाँ, समझा करो। और अशार ज़ौक़ो शौक़ बगर्ज़े इर्यादे इश्क़े मुहम्मदी पढ़े, इंशाअल्लाह अजीब कैफियत पाएगा। अब अजीब कैफियत क्या होगी? शैतान आएगा, नंगा गणगा करेगा, हाल आएगा, वजद आएगा, कूदेगा, नाचेगा, और क्या करेगा? ये हमारे नबी ने ऐसा किया है, असली जूते सहाबा के पास मौजूद थे, कभी सहाबा ने ऐसा किया? ये तो पता नहीं अपने घर का घरौंदा है नक्शा बना के पूजने वाले। तो मेरे भाइयों, इन पुजारियों की बात ना करो, कोई कब्र की पूजा करे या कोई किसी ताजिया की पूजा करे या किसी नक्शे की पूजा करे, आखिर ताजिया भी तो गुंबद की शक्ल है, उसमें मूर्ति नहीं होती, उसको पूजने वालों को। और अरबी में शर्त इसीलिए लगाई गई है कि ताकि गिनती उनती ना चले। ये देखो तज़किरतुर रशीद किसकी किताब है, मौलाना मोहम्मद आशिक अली साहब मेरठी, इलाही मेरठी, मकतबुश शेख, महल्ला मुफ्ती, सहारनपुर यूपी, सवानह कुदवतुल उलमा, रशीद अहमद गंगोही साहब, डी ग्रुप के बहुत बड़े इमाम हैं। सुनो, तावीज़ बता रहे हैं, इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अरबी की शरत इसीलिए लगाई है कि पता नहीं क्या कुफ्र शिर्क तावीज़ों में बांटेंगे। देखो गिनती, देखो गिनती, गिनती है। और आज भी हमारे बर्रे सगीर में जो कुरान छपते हैं और अशरफ अली साहब थानवी के तर्जमे के साथ 12-14 सफा जाकर के उठा करके शुरू पेज के देखो, उसके ऊपर तमाम सूरतों के नक्शे बनाए गए, बनाए गिनती में बनाए गए कि नहीं बनाए गए? सूरह यासीन गिनती, सूरह फला की, सूरह मुल्क, सूरह जिन सबके तख्ते बनाए गए, ऐसे ही जैसे ये नक्शे आप गिनती के देख रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स मरीज हो, उसकी कहते हैं, हाँ यहां से पढ़ो ना, आसेब जदा के लिए आपने इरशाद फरमाया कि असमाए असहाबे कहफ, असहाबे कहफ के नाम कागज पर लिख कर जिस मकान में मरीज या मरीजा, दीवारों पर जगह जगह चस्पा कर दिए जाएं और 20 का नक्श मंदरजा जेल कागज पर लिख कर मरीज को दिखाया जाए, ये 20 का नक्शा है, 4-2-6-8, और दिखाया जाए, वो देखने से घबराए और इनकार करेगा, इनको पता है ये किसका नक्शा है, ये 20 का अदद क्या है, आप जोड़ो ये किसी शैतान का अदद निकलेगा, वल्लाह बतला रहा हूं, जोड़ोगे ना तो ये किसी शैतान रजीम का अदद निकलेगा, ये 20 का अदद। कहते हैं उसको दिखाए, देखने से घबराएगा, उसकी नजर उस पर डलवाई जाए और जबरन इस नक्शे को तावीज बनाकर उसके गले में डाल दिया जाए। ये मौलाना रशीद अहमद गंगोही डी ग्रुप के आदमी, उनके इमाम,
और अस्माए कहफ क्या हैं? कहते हैं सुनो, इलाही बहुरमते यमलीखा मुस्लिमीना कशफूतुन तबल यूनुस कशाफत यूनुस आज़रफत यूनुस युआनस बूस व कल्बुहुम क़तमीर व अलल्लाहि क़स्दु सबील व मिन्हा जायर व लौ शाअ लहदाकुम अजमईन व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन व बारिक वसल्लम। कहते हैं मोहब्बत के लिए सुनो, मोहब्बत की एक तावीज सुनो, मोहब्बत की, मोहब्बत के लिए एक बार आपने इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाह, सुनो बिस्मिल्लाह पिसर मोहम्मद नऊज़ुबिल्लाह, बिस्मिल्लाह पिसरे बिस्मिल्लाह सल्लल्लाह पिसर मोहम्मद हाथ तेल मुँह चिकना बैठूं सर ढाऊं थक बाधूं ठाकुर बाधूं बाधूं सगरा गाँव मीरा जुम्मन जुती यूं कहे मनमोहन मेरा नाव बहके ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कौन लोग हैं मालूम है? ये हमारे बर्रे सगीर के वो चोटी के लोग हैं जिन्होंने इसी किताब के सफ़ा जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 17 पर यह दावा किया है कि बखुदा आज के इस दौर में एतात, आज के इस दौर में निजात मौकूफ़ है, निजात मौकूफ है किस पर? मेरी इत्तेबा और मेरी पैरवी पर। यानी ये देखें, निजात मौकूफ़ है मेरी इत्तेबा पर, बखुदा मैं कसम कहता हूँ, बकसम कहता हूँ आप इसकी इत्तेबा करेंगे तो क्या हशर होगा, सुने, देख रहे हैं। यही नहीं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, बहुत सारे इसके अंदर इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। कहते हैं कि इसको 41 बार पढ़कर इतर पर दम करो और उस इतर को दोनों अंगूठों के नाखून पर लगाकर, अब छोड़ो आगे नहीं बताऊंगा, फालतू में आप लोग अमल करना ही शुरू कर दें तो मुश्किल हो जाएगी, ये शैतानी अमल है, ये ईमान इस्लाम का अमल नहीं है। और ये किताब है तज़किरतुर रशीद। मेरे भाइयों मेरे अजीज़ों, मेरे कहने का मतलब यह है कि अल्लामा इब्ने तैमिया ने कहा अरबी के अलावा दूसरी जुबान में दुआ जायज़, क्यों? हमारे अजम के लोग ऐसे ही घोटाले करेंगे, शिर्क और खुराफात अपनी जुबानों में फैलाकर उम्मत को गुमराह करेंगे। इसलिए उलमा का इस बात के ऊपर इजमा है कि अरबी जुबान के अलावा और कोई जुबान ना हो, और अरबी में हो तो उसका माना भी वाज़े हो, ये नहीं कि अल्लम गल्लम जहाँ की जहाँ जैसे चाहे जोड़ दें। तो मेरे भाइयों ये चंद इलाज के तरीके रहे। अब इनको जैसा कि मैंने बताया हाथ पर फूंकना और जिस्म के ऊपर मरना जायज़, तो तांत वगैरह या छड़े या कड़े या ये तमाम सब चीज़ें खुल्लम खुल्ला ये शिर्क हैं, इनसे बचना चाहिए। इसी तरह से धागे वगैरह बांधना ये भी तमाम, चाहे वो जो है दिवाली के धागे हों या अजमेर में आजकल धागे चल रहे हैं, हमारे यहाँ चादर उधर चढ़ाने के बाद में मिठाइयाँ गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद और धागे दिए जाते हैं। हाँ मुसलमान, हमारे यहाँ जो कुफार हैं हिंदू हैं उनका एक त्यौहार आता है वो राखी बंधन, उसमें वो धागे बांधते हैं। अब मुसलमान भी धागे लाल पीले करके अपने हाथों पर बांधने लगे और अजमेर की धरती से, और हो सकता है पाकिस्तान में पता नहीं है कि नहीं है, वहाँ से भी अपना ये सब करने लगे। ये तमाम सब शिरकिया चीज़ें हैं। इसी तरह आसाब आसेब से बचाव के तवहम के लिए न जाने कैसे कैसे पलीते वलीदे करते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों तावीज़ों के ऊपर उजरत वगैरह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कुरान बेच करके खाने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है, मना फरमाया है। और इसके अलावा बहुत सारी जो खुराफात और तमाम सब चीज़ें होती हैं मेरे अजीज़ों, ये तमाम सब चीज़ें इस्लाम के अंदर हराम हैं। और ये जो नक्शे पक्शे आप देख रहे हो, एक भाई ने हमें ये भी दिया है सूरह शश अक्सी देह देखें मजमूए वज़ाइफ, ये छपी हुई, इसके अंदर देखें सूरह यासीन का नंबर, सूरह अलफतह का नंबर, सूरह रहमान की ये तावीज़ और इसकी खसूसियतें बयान की गई हैं। और जनाब अली इसको ये करो तो ये देखें सूरह अत्तारिख, सूरह इखलास, सूरह मुल्क, सूरह लो नू, सूरह मुज़म्मिल, सूरह अलकहफ, सूरह वन्नास, ये तमाम सब इसकी खसूसियतें बयान की गई हैं और इसे कुरान के उसमें रखा गया है आधा तीतर आधा बटेर, ये असली है कुरान बेशक, लेकिन इसके आगे पीछे जो डुप्लीकेट माल लगाया गया है और जो कुफ्र और शिर्क भरा गया है ये तमाम सब इस्लाम में हराम है। इसलिए मेरे भाइयों कहां कहां तक आपको
खोद खोद करके ये तमाम सब हकीकतें बतलाऊं, और ये तावीज़ और गंडे की चीज़ें जिसके अंदर आज एक उम्मत परेशान है, मेरे भाइयों आप खड़े हो और इन पाखंडियों को इन बेनकाब करो और इन पाखंडियों को झुठलाओ और इनको इनको मार भगाओ, यही इसका इलाज है। इनके पास न जाओ वरना वल्लाह तुम्हारा ईमान भी ज़ाया, दौलत भी ज़ाया, नमाजें और इबादतें सब ज़ाया। यह है तावीज़ और गंडे की हकीकतें और उनका शरई हुक्म, ये तमाम सब चीज़ें। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया है وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, قرآن میں تو شفا ہے تو قرآن کی تعویذ لٹکانے کون سی مصیبت ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت نے شہد کے بارے میں بھی شفا فرمایا ہے تو شہد کو بھی لٹکا لٹکا کے گھومو, ہے کی نہیں بھئی؟ شہد بھی شفا کی چیز ہے کی نہیں, اسے بھی لٹکاؤ اللہ تبارک, ارے ڈاکٹر نے اپنی کتابیں موٹی موٹی لکھی ہیں اس کے اندر بھی شفا موجود ہے, پڑھو گے تو علاج ہوگا, تو ڈاکٹر کی کتابیں لٹکا